अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स क्लास टू. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन. डियर स्टूडेंट्स, टीचर मेमुना इज़ हियर विद योर फेवरेट सब्जेक्ट IT एंड नेम ऑफ आवर बुक इज़ कंप्यूटर विज. दिस इज़ 3rd edition. डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव दिस बुक एंड योर क्लास वर्क कॉपी विद यू when you are watching your video. Dear students, I hope के आपने holidays में बहुत enjoy किया होगा और I hope कि आपने अपनी studies को भी अच्छे से continue कर लिया होगा. अपनी जो हमने book पे जो activities perform की, we have started our chapter number 1 and the name of chapter number 1 is Whiz and Computers. तो आई होप के जो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, ये इसकी जो भी एक्टिविटीज़ हमने बुक पे परफॉर्म की हैं, जो हमने क्लास वर्क कॉपी पे क्वेश्चंस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने अच्छे से अपना काम कंप्लीट किया होगा, रीडिंग प्रिपेयर की होगी और अपनी बुक पे एक्टिविटीज़ तमाम जो थी हमने की हैं वो सब की सब आपने कम्प्लीट कर ली होंगी. Dear students, our chapter number 1 is very interesting. In chapter number 1, सबसे पहले हमने lesson number 1 में Viz ने हमें बताया कि PC होता है, personal computer होता है, ऐसा computer जो at a time सिर्फ एक ही person use कर सकता है. और computer को हम use कैसे कैसे करते हैं, computer को हम use करते हैं number 1 for reading book, बुक्स की रीडिंग के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, वॉच कार्टून, हम कंप्यूटर पे कार्टून भी देखते हैं. नेक्स्ट, सेंड मैसेज, हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कहीं मैसेज भी सेंड कर सकते हैं. एंड लास्ट, इन गेट इंफॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये सब वो ऐसे काम हैं जो हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम ये तमाम काम कर सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है कामों को फास्टली करने में. नेक्स्ट, कंप्यूटर का एक बहुत अच्छी चीज़ क्या थी कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो परमानेंट होती है. हम कंप्यूटर में जो एक दफ़ा सेव कर देते हैं जो डेटा, तो वो कंप्यूटर में हम जितने टाइम के बाद भी देखें तो वो कंप्यूटर में एज इट इज़ सेव रहता है. और कंप्यूटर कौन कौन सी जगहों पर होता है, ऐसी कौन सी प्लेस हैं जहाँ पर कंप्यूटर हम देखते हैं? हम देखते हैं बैंक्स में, देखते हैं हॉस्पिटल्स में, देखते हैं हम अपने घर में, देखते हैं होम में, देखते हैं हम अपनी जो हमारे स्कूल में लैब है, हम कंप्यूटर लैब में भी कंप्यूटर देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, थिंक योर सेल्फ के जो हम कंप्यूटर लैब में देखते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है? PC कंप्यूटर होता है. क्या ऐसा है कि वो कंप्यूटर जस्ट वन स्टूडेंट एट अ टाइम यूज़ कर सकता है? अगर ऐसा है तो हम जो लैब में कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो क्या हैं? PCs हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर हैं. यह आपने अपने माइंड में सोचना है कि जो लैब में कंप्यूटर हैं वो कौन से कंप्यूटर हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू आवर टुडे वर्क. जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने अपने लास्ट लेसन में हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी, वो एक्टिविटी थी हमने पेज नंबर 2 से देख के पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर हमने देने थे. आई होप कि आपने ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी बुक्स पे आंसर इनके राइट कर लिए होंगे. नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्टिविटी थी कि हमने जो रीडिंग की उसमें से सेम मीनिंग वाले वर्ड हमने यूज़ कर ढूँढ के तो फिर ब्लैंक्स में फिल करने थे. आई होप कि ये भी आपने कम्प्लीट कर लिया होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास वर्क कॉपी पे काम करेंगे. स्टूडेंट्स, आई होप के हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अभी तक किए हैं वो आपने अपनी कॉपी पे राइट कर लिए होंगे. और राइट करने के साथ साथ आपने उनको अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा, आपने उनको याद कर लिया होगा. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, चलिए रिवाइज़ कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, व्हाट डज़ PC स्टैंड फॉर? स्टूडेंट्स, आंसर इज़, आई होप कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में इसका आंसर आ गया होगा. आंसर इज़ PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर
2 था, व्हाट इज अ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज डेटा? आंसर इज एनी वर्ड नंबर और पिक्चर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा. कि कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ जो एंटर करते हैं कि कंप्यूटर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे, उसमें कुछ चेंज करे, तो जो चीज़ हम एंटर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू आवर टुडे क्वेश्चन. वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन द यूजेज ऑफ कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के यूजेस हमने बताने हैं. कंप्यूटर के यूजेस अभी हमने रिवाइज भी किए थे. थिंक के कौन कौन से यूजेस होते हैं कंप्यूटर के. थिंक बाय योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या होते हैं? नंबर 1, सेंड मैसेज, रीड बुक्स, वॉच कार्टून एंड गेट इन्फॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये सब कंप्यूटर के यूजेस हैं. इसके अलावा और भी कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे हम ड्राइंग करते हैं, हम कलर करते हैं, ये सब कंप्यूटर के यूजेस हैं. तो यही आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के यूजेस कौन कौन से हैं? तो देखते हैं आंसर. वी यूज़ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को कैसे कैसे यूज़ करते हैं? वी यूज़ कंप्यूटर टू ड्रॉ, कलर, राइट स्टोरीज, प्ले गेम्स एंड गेट इन्फॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन. क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द यूजेज ऑफ कंप्यूटर. के कंप्यूटर के यूजेज लिखें. आंसर इज वी यूज़ कंप्यूटर टू ड्रॉ कलर, राइट स्टोरीज, प्ले गेम्स एंड गेट इन्फॉर्मेशन. कि हम कंप्यूटर को कलर करने के लिए, स्टोरीज़ को राइट करने के लिए, गेम्स प्ले करने के लिए और इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट डाउन द यूजेज ऑफ कंप्यूटर एंड आंसर इज वी यूज़ कंप्यूटर्स टू ड्रॉ कलर, राइट स्टोरीज, प्ले गेम्स एंड गेट इन्फॉर्मेशन. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मेमोरी? व्हाट इज मेमोरी? के मेमोरी क्या होती है? स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा प्रीवियस लास्ट लेसन था उसमें हमने रीडिंग की और हमने देखा कि मेमोरी क्या होती है. मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास माइंड होता है ना, अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन दिया, दिमाग दिया है, कि हम अपनी जो बातें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो अपना लेसन होता है वो हम कहाँ पे सेव रखते हैं? अपने माइंड में. तो कंप्यूटर का जो माइंड होता है, जो कंप्यूटर जहाँ पे चीज़ें सेव रखता है, उसको हम कहते हैं मेमोरी. ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी क्या है? तो इन इजी वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसमें कंप्यूटर जो बाकी तमाम फंक्शंस होते हैं, जो बाकी तमाम प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर अपनी सारी चीज़ें मेमोरी में स्टोर रखता है, मेमोरी में सेव रखता है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मेमोरी? व्हाट इज मेमोरी? नाउ लुक एट द आंसर. आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मेमोरी एंड आंसर इज मेमोरी इज अ कंप्यूटर्स स्टोरेज एरिया. ओके स्टूडेंट्स, स्टोरेज एरिया के जहाँ पर कोई चीज़ स्टोर करते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्टोरेज एरिया. तो मेमोरी इज अ कंप्यूटर्स स्टोरेज एरिया वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर सेव्ड. कि मेमोरी कंप्यूटर का एक ऐसा है एरिया है, स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम सेव रखता है. जो कुछ भी हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको हम कहते हैं डेटा. तो डेटा और प्रोग्राम्स कंप्यूटर जहाँ पे सेव रखता है उस एरिया को क्या कहते हैं हम?
मेमोरी, दैट एरिया इज कॉल्ड मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मेमोरी एंड आंसर इज मेमोरी इज अ कंप्यूटर्स स्टोरेज एरिया वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर सेव्ड. मेमोरी कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जहाँ पे कंप्यूटर तमाम जो डेटा होता है और जो उसके बाकी तमाम के प्रोग्राम होते हैं वो सेव रखता है, उस एरिया को हम कहते हैं मेमोरी. स्टूडेंट्स, आई होप के आपको जो आज के हमारे थे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये अच्छे से क्लियर होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे. आपका आज के लेसन का आपका होमवर्क ये है कि आपने अपनी कॉपी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रेडी करना है और आपने यूज़ क्या करना है, लेड पेंसिल. ठीक है, लेड पेंसिल यूज़ करेंगे आप. डेट और डे मेंशन करेंगे कॉपी के लेफ्ट कॉर्नर पे. आप डेट और डे मेंशन करेंगे. सबसे जो फर्स्ट वाली आपके पास लाइन है ग्रीन, इसके ऊपर डेट और डे मेंशन करेंगे. राइट साइड पे आप क्लास वर्क लिखेंगे, फिर फर्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 1. राइट साइड पे आप लिखेंगे पेजेस, और पेजेस हैं हमारे पास इस चैप्टर के 229. नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे चैप्टर का नेम, और चैप्टर का नेम है विज एंड कंप्यूटर. फिर आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. बिल्कुल नीटली आपने काम करना है कॉपी पे. स्टूडेंट्स, आपने इस बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी को रखना है ताकि जब आप स्कूल आएँ और टीचर आपकी कॉपी चेक करें तो टीचर आपको बहुत सारे स्टार्स दें. ठीक है, तो आपने अपना काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखेंगे राइट डाउन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर. आंसर, वी यूज़ कंप्यूटर टू ड्रॉ कलर, इसके बाद कॉमा राइट स्टोरीज, फिर कॉमा प्ले गेम्स एंड गेट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आया है व्हाट इज़ मेमोरी एंड आंसर इज मेमोरी इज़ अ कंप्यूटर्स स्टोरेज एरिया वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर सेव्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी पे राइट करने हैं और इनको अच्छे से याद भी कर लेना है ताकि जब आप दोबारा वापस आएँ स्कूल आएँ तो आपको आपकी कॉपी कंप्लीट हो, आपकी बुक पे जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ अभी तक के लेसन्स में परफॉर्म की हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ आपकी कंप्लीट हो, आपकी कॉपी पे काम कंप्लीट हो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन. ओके, जो बच्चा नीट एंड क्लीन काम कंप्लीट करके लाएगा ना, टीचर उसको स्टार्स, बटरफ्लाइज और फ्लावर्स देंगी उसकी कॉपी पे. ठीक है, तो आपने नीट एंड क्लीन अपना काम कंप्लीट करना है, इसको अच्छे से याद भी करना है. अगर ऐसा है कि आपका पिछली किसी वीडियोस का किसी लेसन का कोई काम कंप्लीट नहीं है, बुक पे कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं है या फिर क्वेश्चंस आपके कंप्लीट नहीं है कॉपी पे, तो आप ऐसा करें अभी काम कंप्लीट कर लें. आई होप कि आप सबको कुछ ना कुछ नॉलेज होगा कि हमारे स्कूल इंशाल्लाह जल्द ही खुल जाएंगे ताकि जब हम स्कूल आएँ तो हम ऐसे ना हो कि अपनी क्लास के बच्चों से पीछे रह जाएँ. ठीक है, तो हमने अच्छे अच्छे और नीट एंड क्लीन अपना काम कंप्लीट करना है, कंप्लीट काम भी कंप्लीट करना है और उसके साथ अपनी एक्टिविटीज़ जो हमने की ये सब कुछ याद भी करना है, रीडिंग अच्छे से प्रिपेयर करनी है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि जल्द ही हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो और हम दोबारा से नॉर्मल रूटीन की तरह अपने स्कूल जाने लग जाएं. अल्लाह हाफिज़.